सनी देओल का गुस्सा जमकर शाहरुख खान पर फूटा, हुई घमासान फाइट। सनी देओल की धमाकेदार फिल्म दामिनी को रिलीज हुए आज 25 साल हो गए हैं। ये फिल्म बॉलीवुड की बेहतरीन फिल्मों में से एक आज भी मानी जाती है। सनी देओल, ऋषि कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री स्टारर इस फिल्म ने लोगों के होश उड़ा दिए थे। फिल्म एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो एक लड़की का रेप होते देखती है और रेपिस्ट उसका खुद का देवर होता है। दामिनी सच का साथ देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इसमें उसका खुद का ससुराल उसका साथ नहीं देता, यहाँ तक कि उसका पति भी उसका साथ नहीं दे पाता। इस दौरान दामिनी की लड़ाई में उसके साथ खड़ा होता है उसका वकील सनी देओल। फिल्म अपने जमाने के हिसाब से काफी आगे की थी और दर्शकों ने इसे खुले दिल से स्वीकारा था। इस फिल्म से सनी देओल ने अपना पूरा गुस्सा एक साथ शाहरुख खान पर निकाल दिया था। दरअसल इसी दौरान सनी देओल शाहरुख खान की डर भी शूट कर रहे थे। बस अंतर इतना था कि डर पहले सनी देओल की डर थी, लेकिन धीरे धीरे ये सनी देओल को बताए बिना शाहरुख खान की फिल्म बन गई। हालांकि सनी देओल को समझ जा चुका था कि उनके साथ धोखा हुआ है। खैर, ये सारा गुस्सा उन्होंने दामिनी में अपनी एक्टिंग में निकाल दिया। ऐसा लगता है आज भी लोग तारीख पर तारीख बोलते ही दामिनी को याद करते हैं। जानिए 1993 में बॉलीवुड के बाकी स्टार्स क्या कर रहे थे। दहेश बेस फिल्म। उस साल के बेस्ट एक्टर बाजीगर के लिए भले ही शाहरुख खान थे, लेकिन फिर भी उस साल की बेस्ट फिल्म थी आमिर खान स्टारर हम है राही प्यार के। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान ने बेस्ट एक्टर का खिताब जीतने के लिए आमिर खान की हम है राही प्यार के, गोविंदा की आंखें, जय की श्रॉफ की गर्दिश और संजय दत्त की खलनायक से टक्कर ली। बेस्ट एक्ट्रेस जूही चावला को हम है राही प्यार के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। इसके लिए उन्होंने डिंपल कपाड़िया की रुदाली, मीनाक्षी शेषाद्री की दामिनी और माधुरी दीक्षित की खलनायक से टक्कर ली। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। सनी देओल ने दामिनी के साथ धमाका किया था और उनकी तारीख पर तारीख ने उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का खिताब दिलाया था। बेस्ट एक्टर कॉमेडी अनुपम खेर शाहरुख खान की बाजीगर के अलावा शाहरुख खान की डर ने भी उस साल अच्छा खासा धमाका किया था। अनुपम खेर को फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर कॉमेडी का अवार्ड मिला था। बेस्ट डेब्यू सैफ अली खान को बेस्ट डेब्यू का खिताब मिला था श्रीमान आशिक नाम की फिल्म के लिए। बेस्ट म्यूजिक अनु मलिक बाजीगर के गानों ने तहलका मचा दिया था। चाहे ये काली काली आंखें हो या किताबें बहुत सी या फिर फिल्म का टाइटल ट्रैक, इसलिए उस साल का बेस्ट म्यूजिक अनु मलिक के नाम रहा बाजीगर के लिए। चोली के पीछे खलनायक का गाना चोली के पीछे साल का सबसे शानदार गाना था और इसके लिए अलका याज्ञनिक और इला अरुण के बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। शाहरुख के नाम था 1993 कुल मिलाकर ये पूरा साल शाहरुख खान के नाम था। डर, बाजीगर और कभी हाँ कभी ना ने शाहरुख खान को सुपरस्टार बना दिया था।